स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। उसकी एक रेंज है, अगर उस रेंज में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप उसको 1 सेकंड लगाएंगे आंसर निकालने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगाएंगे। मैं बोल रहा हूँ यदि संख्या 10,000 से अधिक है तो 100 में जमा करेंगे लास्ट की 2 अंकों का वर्गमूल। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी का ही वाइस वर्जन है कि यदि संख्या 10,000 से कम है सिर्फ, तो 100 में से घटा करेंगे। अगर संख्या 10,000 से ज्यादा है तो मैं लास्ट की 2 संख्याओं का वर्गमूल निकालूंगा और उसको 100 में जमा करूंगा। अगर संख्या 10,000 से कम है तो मैं लास्ट की 2 संख्याओं का वर्गमूल निकालूंगा और उसको 100 में से माइनस कर दूंगा। बस आंसर हमारा निकल जाएगा 100 से 144,000 तक। अगर कोई क्वेश्चन आ गया स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो आप डायरेक्ट कर देंगे इस मेथड से, बहुत जल्दी कर देंगे। हमारा 9216 का वर्गमूल निकालना है। क्या ये संख्या 10,000 से कम है? हाँ जी, 10,000 से कम है। क्या ये हमारी रेंज में आ रहा है, लिमिट में आ रहा है? हाँ, 6400 लेके 144,000 तक है। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको 3-4 बार कर लीजिएगा, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा क्वेश्चन देखते ही कि हमारी रेंज में है या नहीं है। तो हम 100 में से घटा करेंगे क्या, लास्ट के 2 संख्याओं का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, तो 96 आंसर है। 125,044 का वर्गमूल 10,000 से ज़्यादा है और हमारी लिमिट में भी है, तो हम क्या करेंगे, 100 में जमा करेंगे लास्ट की 2 संख्याओं का वर्गमूल। क्या 44 का वर्गमूल होता है? नहीं होता। तो आप क्या कीजिएगा, अगर किसी संख्या का वर्गमूल वो संख्या नहीं है तो आप अपनी तरफ से एक इमेजिन कर लो 144 कि 144 का वर्गमूल होता है। हाँ होता है। अगर 144 का वर्गमूल भी नहीं होता तो मैं अपनी तरफ से 2 इमेजिन कर लेता, 244 का होता है। अगर 2 भी नहीं होता तो मैं करता 344, 444। 44 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, मैंने अपनी तरफ से माना 144, 144 का होता है 12, आंसर आएगा 112। वो हमारी अगर कोई संख्या है वो 2500 से अधिक है तो 50 में जमा करेंगे लास्ट के 2 अंकों का वर्गमूल, और यदि कोई संख्या 2500 से कम है तो उसको हम 50 में से माइनस करेंगे लास्ट के 2 अंकों का वर्गमूल। इसकी जो लिमिट है, वो जो लिमिट है इसकी, अगर आपको याद हो जाएगी, वो है हमारी 900 से लेकर 4900 तक। अच्छा, एक चीज़ और यार, अगर आप कभी लिमिट भूल जाओ या क्या लिमिट थी क्या लिमिट थी, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। मैंने बोला पहले था 100, 100 में जमा माइनस करेंगे, आप क्या करना, 100 में से 20 घटाना कितना होता है 80, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, तो पहली लिमिट 6400, 100 में 20 जमा करूँ कितना होता है 120, 120 की स्क्वायर यानी कितना होता है हमारा 144,000, तो वो उसकी लिमिट हो गई। उसके बाद अब मैंने बोला 2500 के लिए 50 में जमा माइनस करेंगे, लिमिट क्या बोली 900 से लेकर 4900 तक। कहने का मतलब है 50 में से 20 माइनस करें कितना होता है 30, 30 की स्क्वायर 900, 50 में 20 जोड़े कितना होता है 70 यानी 4900, तो ये लिमिट ऐसे निकाली। 3481 का स्क्वायर रूट निकालो, 3481 का स्क्वायर रूट निकालो। 3481 2500 से ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है, हमारी लिमिट में भी आ रहा है। हम क्या करेंगे, 50 जमा में लास्ट की 2 संख्याओं का वर्गमूल, 59 आंसर। 3669 का वर्गमूल 2500 से कम है, लिमिट में भी है, 50 माइनस 69 का कोई वर्गमूल होता है? नहीं होता। 169 का होता है? हाँ होता है, 13, यानी इसका आंसर होता है 37। तो ऐसे फ्रेंड्स आप सभी तरह के स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जो इस रेंज में आते हैं। इसके बाद मैं आपको पार्ट टू कराऊंगा, जो इससे भी मैक्सिमम इन डिजिट से एक्स्ट्रा जो संख्या आती है उनका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स।